अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हमारा टॉपिक है एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर। जैसा कि हम पिछले टॉपिक्स में पढ़ के आए हैं कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो अपने अंदर चार्ज को स्टोर करती है, तो फिर ये भी हम कह सकते हैं कि कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो अपने अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करती है। जब हम कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स को एक बैटरी की मदद से चार्ज करते हैं, तो याद रखिएगा जब आप एक प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल के बैटरी की मदद से दूसरी प्लेट पर स्टोर करने जाते हैं, तो वही बैटरी की एनर्जी, या ऐसे कह लें बैटरी ने जो वर्क किया है एक प्लेट से दूसरी प्लेट के ऊपर चार्ज को स्टोर करने के लिए, तो वही एनर्जी या वही वर्क उस चार्ज के पास एज ए इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी होती है। अब हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी दोनों प्लेट्स चार्ज होती जाएंगी, मतलब अगर एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से, और दूसरी प्लेट पे हम उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को जो हमने प्लेट P1 से निकाले थे और प्लेट 2 पे स्टोर कर रहे हैं, तो जैसे जैसे इन चार्जेस की मिकदार बढ़ती जाएगी, तो पक्की बात है दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा। जब बेटा दोनों प्लेट्स के दरमियान पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा होगा, तो आपकी बैटरी को नेक्स्ट चार्ज को स्टोर करवाने के लिए आपको वर्क भी क्या करना पड़ेगा, आपकी बैटरी को ज़्यादा करना पड़ेगा। आखिर ऐसा क्यों? जैसे कि हम कूलम्ब लॉ में पढ़ के आए हैं कि सेम चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो जब प्लेट 2 पे बेटा आप एक इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे, फिर दूसरे इलेक्ट्रॉन को भेजेंगे, फिर तीसरे को भेजेंगे, इस तरह जब उस प्लेट के ऊपर बेशुमार इलेक्ट्रॉन स्टोर हो रहे होंगे, तो हर आने वाले नए इलेक्ट्रॉन के लिए P2 प्लेट के ऊपर जो ऑलरेडी पहले हमने इलेक्ट्रॉन स्टोर किए हैं, वो इलेक्ट्रॉन हर आने वाले नए इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, जिससे बैटरी को उसी आपके इलेक्ट्रॉन को स्टोर करवाने के लिए ताकत क्या लगानी पड़ेगी, ज़्यादा लगानी पड़ेगी, और इसी तरह उसका वक्त भी उसको क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा। जिसकी छोटी सी मिसाल आप रियल लाइफ में अपनी मोबाइल की बैटरीज में देख सकते हैं या लैपटॉप में देख सकते हैं। जब आप उनकी बैटरीज को चार्ज करते हैं चार्जर की मदद से, तो आपने नोट किया होगा जैसे जैसे आपकी बैटरी चार्ज होती है, तो शुरू में तो बहुत स्पीडी चार्ज होती है, पर जैसे जैसे वो 50% से ऊपर को बढ़ना शुरू होती है चार्जिंग के लिए, तो आपका चार्जिंग का टाइम स्लो हो जाता है। मतलब कि आपकी प्लेट, आपकी वही अब चार्ज जो हो रही हैं वो लेट हो रही होंगी। क्यों? क्योंकि हर आने वाले नए इलेक्ट्रॉन को पहले से स्टोर हुए इलेक्ट्रॉन की तरफ से क्या मिलेगी, रिपल्शन मिलेगी, जिसकी वजह से आपके चार्जर को ताकत क्या लगानी पड़ेगी, ज़्यादा लगानी पड़ेगी। तो ये छोटा सा कंसेप्ट है कि कैपेसिटर की प्लेट्स पर एनर्जी स्टोर किस तरह हो रही है। अब बेटा हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे। फर्ज कर लेते हैं कि शुरू में आपकी दोनों प्लेट्स क्या थी, अनचार्ज थी, तो उन दोनों प्लेट्स का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, जीरो होगा। अब दूसरा केस कि हमने उन दोनों प्लेट्स को बैटरी की मदद से फुली चार्ज कर दिया है, और फर्ज कर लेते हैं उन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो आपका पोटेंशियल डिफरेंस है वो एक जनरल नेम हम उसको देते हैं, क्या है, वी है। अब अगर हम बेटा इसकी एवरेज वैल्यू निकालें पोटेंशियल डिफरेंस की, तो क्या होगी, जीरो प्लस वी ओवर टू इज इक्वल टू हाफ वी। अब हमने देखें एक एवरेज वैल्यू क्यों ली, सवाल यहाँ पे ये उठता है। ये बेटा याद रखिएगा, जब भी आपकी एक वेरिएशंस होंगी किसी भी वैल्यूज के अंदर, जहाँ पे एक जीरो से लेके मैक्सिमम तक बीच में वेरिएशंस आ रही होंगी, तो वहाँ पे आप मैथमेटिकली एवरेज नंबर पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि एवरेज नंबर एक ऐसा नंबर है जो मिनिमम से लेके मैक्सिमम नंबर तक सबको लेके चलेगा। इसलिए हम जहाँ पे वेरिएशन होगी वहाँ पे हम एवरेज के कंसेप्ट को इस्तेमाल करेंगे। तो हमारा एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस क्या निकला, हाफ वी। अब आपको याद होगा हमने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का एक फॉर्मूला पीछे पढ़ा था, वो क्या था, आपका डेल यू इज इक्वल टू क्यू डेल वी। अब क्यू तो आपका वैसे का वैसा रहा, डेल वी की वैल्यू हमने ऊपर एवरेज पोटेंशियल की क्या निकाली थी, हाफ वी, वो हम ला के यहाँ पुट कर देंगे, तो डेल यू का फॉर्मूला अपडेट क्या हो जाएगा, हाफ क्यू वी। अब आपको याद होगा हमने कैपेसिटर के अंदर रिलेशन पढ़ा था क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो क्यू की वैल्यू आप बेटा आपकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में जाके पुट कर दें, तो आपका नेक्स्ट सेशन क्या बन जाएगा, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ सी वी इंटू वी। अब दो आपके पास V हो गए, तो V और V मिलके क्या हो जाएगा, V स्क्वायर। तो बेटा अब आपका जो फाइनल फॉर्मूला बन गया है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का, वो क्या बन गया, हाफ सी वी स्क्वायर। अब कैपेसिटर के अंदर जो एनर्जी स्टोर्ड हुई है, अब आप उसके रिलेशन को इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में चेंज करना चाहें तो कैसे करेंगे, कि मतलब कि अगर हमने एक कैपेसिटर की एनर्जी कैलकुलेट करनी है बट हम रेफरेंस रखना चाहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो उसके लिए इक्वेशन को हम कैसे अपडेट करेंगे। अब हम बेटा पीछे पढ़ के आए हैं एक कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस कब इंक्रीज होती है, जब दो प्लेट्स के दरमियान क्या आता है, मीडियम आता है, तभी आपका कैपेसिटर एनर्जी स्टोर करना शुरू करेगा। तो उस वक्त हमने जो रिलेशन पढ़ा था वो क्या था, सी मीडियम इज इक्वल टू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी। और क्योंकि दो प्लेट्स आ गई हैं, एक पॉजिटिव प्लेट है और एक नेगेटिव प्लेट है, और पॉजिटिव नेगेटिव से क्या जनरेट, नेगेटिव प्लेट से क्या जनरेट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। और उसका हमने रिलेशन क्या पढ़ा था, आपको याद होगा, ई इज इक्वल टू वी ओवर डी, और वी का रिलेशन यहाँ से क्या बनेगा, वी इज इक्वल टू ई डी।
अब बेटा अगर हम इन दोनों वैल्यूज को अपनी एनर्जी के फॉर्म में पुट कर दें तो हमारा फॉर्मूला कैसे अपडेट होगा? एनर्जी इज इक्वल टू हाफ इंटू ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी इंटू ई डी का होल स्क्वायर। अब आप जरा गौर करें, अगर मैं स्क्वायर को ओपन करूं तो हमारा रिलेशन क्या बन जाएगा, हाफ ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ओवर डी ई स्क्वायर डी स्क्वायर। अब जो आपका डी स्क्वायर है वो बटा ले डी से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और ऊपर आपके पास सिर्फ क्या बच जाएगा, डी बच जाएगा। तो अब अगर हम नेक्स्ट आगे रिलेशन को मजीद आगे हैंडल करें तो कैसे करेंगे, अब हमारी वैल्यू कैसे होगी बनेगी, एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर इंटू ए डी। मैंने ए डी अलग कर दिया। अब आप गौर करें, मैंने ए डी को क्या कर दिया, अलग कर दिया, क्योंकि ए डी क्या है, इज द वॉल्यूम बिटवीन द प्लेट्स। अब अगर आपने एनर्जी डेंसिटी निकालनी हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। अब एनर्जी जो हमने बेटा ऊपर निकाली थी उसका फॉर्मूला क्या था, हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर इंटू ए डी डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। और वॉल्यूम जानते कितने डिमेंशन होता है, थ्री डिमेंशन। और ऊपर अगर आप देखें एरिया कितने डिमेंशन होता है, टू डिमेंशन। और डिस्टेंस कितने डिमेंशन होता है, वन डिमेंशन। एरिया और डिस्टेंस को मिला के थ्री डिमेंशन बन गया, एक तरह का वॉल्यूम बन गया। तो आप बेटा इस वॉल्यूम को बटा वाले नीचे वाले वॉल्यूम से क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो फाइनल आपको जो एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला बना वो क्या बना, हाफ एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर ई स्क्वायर। तो मैं बेटा उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपको एक एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का रिलेशन समझ आ गया होगा। वो जो हमने पहले निकाला था ऊपर कैपेसिटेंस और पोटेंशियल डिफरेंस के रेफरेंस से, और ये हमने जो निकाला है वो किसके रेफरेंस है, इलेक्ट्रिक फील्ड के रेफरेंस से है। तो बेटा नेक्स्ट टॉपिक हम इंशाल्लाह कल करेंगे। अल्लाह हाफिज़।